बड़ा पाप कौन सा है, कैसे बनता है और इसका अंत से आदि से अंत कैसे होगा। सबसे बड़ा पाप है दुख देना। दुख देने को ही पाप कहा जाता है। बाबा ने सबसे बड़ा पाप क्या बताया मुरली में? है क्रोध बड़ा पाप है, लोभ बड़ा पाप है, अहंकार बड़ा पाप है, कौन सा बड़ा पाप है? है काम कटारी चलाना बड़ा पाप है। ये कब से आता है, कौन सी आत्मा आती है जो बड़ा पाप शुरू कर देती है? है इब्राहिम आता है, उसके आने मात्र से ही व्यभिचारी दुनिया शुरू हो जाती है। ये बड़े पाप की शुरुआत हो गई। और भगवान को सर्वव्यापी कहना ये भी पाप है। पाप तब कहा जाता है, पाप माने दुख देना। असल में जो भगवान है वो कभी पाप अर्थात दुख फील करता है? किसी को दुख देना पाप है, लेकिन जिसको दुख दिया वो दुखी हुआ ही नहीं। दुख देने वाले ने तो दिया लेकिन लेने वाले ने लिया ही नहीं, तो पाप हुआ है। देने वाला और लेने वाला दोनों अपना काम करेंगे तब ही पाप बनेगा, या एक तरफा पाप बन जाएगा? दोनों तरफ से होगा। तो शिव आत्मा के लिए पाप और पुण्य की बात नहीं है, वो जिसमें प्रवेश करता है उसके लिए पाप और पुण्य की बात है। इब्राहिम की आत्मा भी आती है, विचार शुरू करती है, तो जब विचार शुरू होता है तो पहले पहले कौन डिगता है, इब्राहिम सतो प्रधान है या तमो प्रधान है? है सतो प्रधान है, सात्विक आत्मा है, वो पाप करेगी? है? करेगी नहीं करेगी? हाँ, इब्राहिम सात्विक आत्मा जब आती है तो जिसमें आती है उसकी बुद्धि को डिगाई देती है। वहां से व्यभिचार शुरू हुआ। विकार का स्त्री अथवा पुरुष आपस में ही एक दूसरे में आसक्त होकर रहते हैं और किसी में आसक्त नहीं होते, तो वो एक दूसरे को दुख देने के निमित्त बनते हैं क्या? बनते हैं? अरे राधा कृष्ण में ही आसक्त होती है,
कृष्ण की आंख राधा में ही डूबती है और किसी में नहीं डूबती। तो दुख के निमित्त बनते हैं क्या? है, बनते हैं? नहीं बनते। ऐसे ही जब भ्रष्ट इंद्रियों की दुनिया बनती है सुख दुख लेने की, तो स्त्री पुरुष एक दूसरे में आसक्त होते हैं आपस में, और किसी में आसक्त नहीं होते। तो उसे व्यभिचार कहेंगे। अरे नहीं कहेंगे, काम विकार कहेंगे, क्योंकि भ्रष्ट इंद्रियां होने से देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान से काम विकार पैदा होता है, परंतु व्यभिचार नहीं है। लेकिन इब्राहिम आकर क्या करता है? दृष्टि का व्यभिचार पैदा करता है, भ्रष्ट इंद्रियों का व्यभिचार पैदा करता है या नहीं करता है? देवताओं की वृत्ति होती है आपस में एक दूसरे से आकर्षित होना। लेकिन जो इब्राहिम इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं, उनमें धर्म के अंदर ये बात वाजिब है कि पुरुष अथवा स्त्री अनेकों के साथ आसक्त हो सकता है। पुरुष ज्यादा ज्यादा शादियां भी कर सकता है, तो देवता धर्म को व्यभिचारी कहेंगे या इस्लाम धर्म को व्यभिचारी कहेंगे? अब जब पुरुष को पता चलता है कि स्त्री दूसरे पर आसक्त हो गई, अथवा स्त्री को पता चलता है कि पुरुष दूसरे पर आसक्त हो गया, तो दुखी होंगे या नहीं होंगे? है? दुखी हो जाते हैं। यहीं से दुख की दुनिया शुरू हो जाती है, व्यभिचार से दुख होता है। जब तक दुनिया अव्यभिचारी रहती है तो सुखी रहती है। और बाबा संगम युग में भगवान हमारे साथ है, तो हमें किसी से भय होना चाहिए या कोई भी घटना से भय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? निश्चय बुद्धि है कि हमारे साथ है तो क्यों भय होगा? अनिश्चय बुद्धि बनते हैं बीच बीच में, पता नहीं इसमें भगवान है कि शैतान है, है भी या नहीं है। तो क्या रिजल्ट होगा? भय पैदा होगा। और बाबा है, कंट्रोल कैसे है? कंट्रोल कैसे होना चाहिए? आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करने से। ये दुनिया गई कि गई, इन आंखों से जो भी देखते हैं वो आज देखते हैं और कल कल भस्म हो जाएगा। ये बात बुद्धि में बार बार आने से क्या होगा? बुद्धि एकाग्र होगी या नहीं होगी? दुनिया से वैराग आएगा या नहीं आएगा? दुनिया से वैराग आएगा।
उस गीता में भी यही बात कही है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, ये मन बड़ा चंचल है, एकाग्र कैसे हो? तो उत्तर दिया गया, अभ्यासेन तो कौनते वैराग्यन च गृह्यते। बार बार स्मृति का अभ्यास करो। एक ही स्मृति है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु। बार बार उस ज्योति बिंदु से बुद्धि बाहर जाएगी, घड़ी घड़ी भटकेगी, लेकिन हम क्या करें, बार बार खींचकर आत्मिक स्मृति मिलाए, ये अभ्यास करना है। और ये अभ्यास अमृत बेले पक्का करना है। अमृत बेला फाउंडेशन काल है सारे दिन का। अगर फाउंडेशन कच्चा रह जाता है तो सारे दिन का पुरुषार्थ कच्चा रह जाएगा, आत्मिक स्थिति बनेगी ही नहीं। पहली बात है आत्मिक स्थिति का अभ्यास, और दूसरी बात, ये दुनिया गई कि गई, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सिर्फ अभी देखते हैं। ये दुनिया स्वप्न मात्र हो जाएगी। ऐसा विचार बार बार लाना है तो बुद्धि एकाग्र होगी। समय को शिक्षक नहीं बनाना है, है? समय को शिक्षक नहीं बनाना है। समय जड़ है, जो जड़त्वमयी है उसको हम शिक्षक बनाएं, या जो चैतन्य है उसको शिक्षक बनाएं? आत्माएं चैतन्य है और आत्माओं के बीच में भी परमात्मा चैतन्य है और परमात्मा से भी परमपिता चैतन्य है। ये तो लगता तो ऐसा ही है कि समय ही शिक्षक बन जाता है। अगर समय ही सब कुछ अपने आप करता है तो हम क्यों करें? जब टाइम होगा तो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। ये लगता तो ऐसा ही है। किचन में तो बड़े आराम से चले जाते हैं, ये नहीं सोचते जब समय आएगा तो किचन में जाएंगे, लड्डू पेड़ा खाएंगे। सोचते हैं कोई है? कि समय आएगा तब खाना खा लेंगे? खाने की बात नहीं है, खाने की बात नहीं है। परिवर्तन जो हो रहा है, वो जो परिवर्तन हो रहा है वो आत्माओं के द्वारा परिवर्तन होता है। चैतन्य परिवर्तन करने वाला है, जड़ नहीं परिवर्तन करता है। जड़ प्रकृति को मनुष्य आत्माएं अपने योग बल से परिवर्तित करेंगी। वो तो अपने आप होती है, इसलिए हो रही है। प्रकृति अपने आप परिवर्तन होती है। प्रकृति अपने आप सत्व प्रधान हो जाती है। संकल्प से वाइब्रेशन फैलता है, संकल्प करने की युक्ति कौन बताता है? तो फिर कौन निमित्त हुआ? ऐसे बाबा बोलते हैं कि ड्रामा में नूद है इसलिए मैं आता हूं। ड्रामा में नूद है वो तो पास्ट की बात है, लेकिन ड्रामा में जो भी 84 जन्म का पार्ट नूद है वो हमें पता है? पता है तो कैसे पता करेंगे?
पता करना वो तो एक अभ्यास है ना। तो करो अभ्यास, अच्छा अभ्यास करोगे, अच्छे संकल्प करोगे तो अच्छी दुनिया बनेगी। भगवान के बताए हुए रास्ते के विपरीत संकल्प करेंगे तो हमारी जन्म जन्मांतर की दुनिया खराब बनेगी। अपनी दुनिया बनाने वाले हम हैं, रास्ता बताने वाला बाप है। समय कुछ नहीं करता अपने आप, हैं? 84 जन्म फिक्स हैं। फिक्स होते हुए भी हमें पता नहीं है क्या फिक्स है। खाना खाना फिक्स है या नहीं? अरे आपका रोज खाना खाना फिक्स है या नहीं? फिक्स है तो बैठे रहो आराम से कुर्सी के ऊपर, क्यों चले जाते हो दौड़ के? संकल्प तो चलेगा ना कि खाने खाना है, तो फिर उसको बताने कैसे हो जाएगी? संकल्प चलेगा ना, वो संकल्प चलाना, अच्छा संकल्प चलाना और बुरा संकल्प चलाना ये कौन सिखाता है? फिर बाबा चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है। और सीखने वाले चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है। वो संकल्पों का फाउंडेशन डालेंगे, संकल्पों का बीज डालेंगे, तभी तो दुनिया बनेगी। दुनिया कैसे बनेगी और कब बनती है? संगम युग पर बनती है। और हम ही अपनी दुनिया बनाने वाले हैं। भगवान किसी की दुनिया नहीं बनाता, बताता है कि बनी बनाई है, फिर भी जो बनी बनाई है उस 84 जन्मों को इमर्ज हम करें या नहीं करें? 84 जन्मों की दुनिया को हम अपने सामने इमर्ज करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे तो पुरुषार्थ नहीं करना है। ओम शांति।